तो बी फॉर्म थर्ड ईयर आज का टॉपिक क्या है, यूनिट सेकंड का सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड टॉपिक ही है, यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक है सेल ऑफ ड्रग। सेल को अगर हम जनरली जनरली बताएं कि सेल क्या होता है, सेल में क्या करते हैं हम, जो हमारा कोई ड्रग होती है, ठीक है, उसे हम मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो ड्रग बना रहा है उससे खरीद रहे हैं, किस पर्पस के लिए, कि ये बिक जाए मार्केट में या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जिसको नीड है, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से ही बनाई जाती है। या अगर इसकी डेफिनेशन दें तो सेल को हम ऐसे ही बता सकते हैं, सेल में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ पासेज ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, ठीक है। अगर हम सेल को लीगली बताएं तो सेल को ऐसे बता सकते हैं, सेल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर से लेके हम कंज्यूमर जो होता है उसको हम बेचते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। और सेल जो होती है दो टाइप की होती है, होल सेल होती है और रिटेल सेल। होल सेल में क्या होता है, होल सेल में भी क्या होता है, जो हमारा ड्रग होता है या मटेरियल होता है हम उसको लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, ठीक है। और फिर सेल किसको करते हैं, रिटेलर को, जो रिटेलर होता है, ठीक है, रिटेलर को हम सेल करते हैं। रिटेलर अपनी अपने दिमाग में घुसा लेना, जो ये छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं ना या मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, इनको हम कहेंगे रिटेलर, ठीक है। क्या किया है हमने, जो हमारी ड्रग्स हैं मैन्युफैक्चरर से खरीदी हैं और फिर क्या किया है हमने, जो रिटेलर को सेल कर देते हैं, ठीक। और देन होती है रिटेल सेल। रिटेल सेल में क्या होता है, रिटेल सेल में जो हमारी ड्रग्स होती है हम कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर या कस्टमर जो होता है उसको हम सेल करते हैं, ठीक। ये होती है होलसेल और रिटेल सेल। सेल में लिखो आप सबसे पहले, सेल ऑफ ड्रग में लिखो, सेल में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस, सेल में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस, सेल में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस, एज ए प्रोसेस, सेल में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ पैसेजेस ऑफ आर्टिकल्स, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर से हम अपना मटेरियल लेके किसको सेल कर रहे हैं, कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये होती है सेल। सेल इज ऑफ टू टाइप्स, होल सेल एंड रिटेल सेल। सेल जो होती है आपकी टू टाइप की होती है, होल सेल एंड रिटेल सेल, होल सेल या रिटेल सेल। ठीक है, होल सेल में लिखो, होल सेल, होल सेल, होल सेल अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट। जैसे आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, फार्मेसी एक्ट है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, क्रुएल्टी वाला एक्ट है, तो ऐसे ही था ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट। ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट में क्या था, ड्रग्स के जो होते हैं प्राइस जो हैं हमने इतने रखे हैं, कितने रखने होते हैं, ये सारे के सारे किस में आया था, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट में आया था। ये आया था 1987 में। तो इसके अकॉर्डिंग होलसेल क्या होती है, उसमें लिखो, अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, DPCO भी बोलते हैं इसको, DPCO 1987, होलसेलर, वॉइस क्लियर है, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है। अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल, अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ब्रैकेट में लिखना DPCO, DPCO, DPCO DPCO 1987। होलसेलर मीन्स ए डीलर, होलसेलर मीन्स ए डीलर, होलसेलर मीन्स ए डीलर और हिज एजेंट,
और हिज एजेंट अपॉइंटेड बाय एन इम्पोर्टर अपॉइंटेड बाय एन इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं ड्रग्स को इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चरर फॉर द सेल ऑफ हिज ड्रग फॉर द सेल ऑफ हिज ड्रग फॉर द सेल ऑफ हिज ड्रग टू द रिटेलर ये कहलाता है होलसेलर and this process of sale of drug is known as wholesale. ठीक है, होलसेल में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर से हम अपना मटेरियल ले खरीद रहे हैं और किसको बेच रहे हैं, रिटेलर को बेच रहे हैं, ये होता है होलसेल। देन हेडिंग है रिटेल सेल। इसमें लिखो रिटेलर मीन्स ए डीलर कैरिंग द रिटेल बिजनेस ऑफ सेल ऑफ ड्रग टू द कस्टमर and this process is known as retailer means a dealer carrying the retail business of sale of drug to the customer and this process of sale of drug is known as retail sale and this process of sale of drug is known as retail sale. ठीक है, अब आता है वो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी हम होलसेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने मैन्युफैक्चर में पढ़ा था मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में कि इस कैटेगरी की ड्रग्स हैं जिनकी हम सेल कर सकते हैं, अब है वो कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी की ड्रग्स हैं जिनकी हम होलसेल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही होगा, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में था ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन एंड एक्स, शेड्यूल सी सी वन और एक्स को छोड़ के जो सारी ड्रग्स हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी और सी वन, जो सी और सी वन में आती है, ठीक है, अदर देन दोज लेकिन एक्स को छोड़ देती हैं, उन ड्रग्स की हम होलसेल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारी शेड्यूल एक्स में जो ड्रग्स आ रही हैं उनकी भी हम होलसेल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम मोटर व्हीकल के थ्रू होलसेल करते हैं, मोटर व्हीकल जो होता है हमारा, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, होलसेल कर रहे हैं, तो वो भी हमारी ड्रग्स जो आती हैं कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, होलसेल करने के लिए, ठीक है, लाइन लिख लेना, ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी सी वन एंड एक्स, हेडिंग है ये होलसेल ऑफ ड्रग में, वो जो ड्रग्स हैं जो शेड्यूल सी सी वन और एक्स में नहीं आ रही हैं, ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन एंड एक्स, इनके लिए हमें क्या करना होता है, 20B का लाइसेंस फॉर्म भरना होता है।
क्या करना होता है, 20B, फॉर्म नंबर 20B इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस, इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द होलसेल ऑफ दीज ड्रग, फॉर द होलसेल ऑफ दीज ड्रग, ठीक है। फॉर्म वगैरह भर दिया, अब क्या करना है हमें ड्रग्स को, क्या करना है लेना है उससे किस। हाँ जी, क्लियर नहीं हुआ। होलसेल में क्या होता है बच्चे, होलसेल में हम मैन्युफैक्चरर से अपनी जो ड्रग्स हैं वो ले रहे हैं और रिटेलर को दे रहे हैं, ठीक है। तो होलसेल को कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी हम होलसेल कर सकते हैं, पहला तो ये है, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है, जो शेड्यूल सी, सी वन और एक्स के अलावा जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक हो गई, एंटीपायरेटिक हो गई, कोई भी हो गई, एंटी और कोई भी ड्रग्स हो गई, ठीक है, एंटी मलेरियल हो गई, कुछ भी हो गई, एंटी कोगुलेंट्स हो गई, तो उनकी हम सेल करने के लिए, उनकी भी हम सेल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि जो शेड्यूल सी और सी वन में आ रही हैं ड्रग्स, उनकी भी हम होलसेल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, जो शेड्यूल एक्स में ड्रग्स आती हैं उनकी भी हम होलसेल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम मोटर व्हीकल के थ्रू होलसेल कर सकते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना मोटर व्हीकल में भी कोई कोई ड्रग्स सेल होती है, ठीक है, ठीक है जया। हाँ जी, इन 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 सब के लिए नहीं है बच्चे, मैंने बताया था जैसे ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, सी वन एंड एक्स, सी, सी वन और एक्स को छोड़ के सारी कैटेगरी के ड्रग के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, 20B, बी जो है बच्चों कैपिटल में लिखना, 20B, ठीक है, 20B का हमने फॉर्म भर दिया। फिर क्या होता है, हमें लाइसेंस मिल जाता है होलसेल करने के लिए, तो होलसेलर, होलसेल के लिए भी क्या होता है, हमारे पास कोई स्पेस होता है ना कि जहाँ पे हम ड्रग को होलसेल करेंगे, रिटेलर को देंगे, रिटेलर हमारे पास आएगा, हम उसको सेल करेंगे ड्रग, ठीक है, लाइसेंस जो हमारा मिल जाता है। अब क्या क्राइटेरिया होता है, हमें लाइसेंस मिल चुका है, आपने देखा होगा होलसेलर या डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जो उनका लाइसेंस होता है वो डिस्प्ले करके रखते हैं, ठीक है, देखा होगा ना कि वो डिस्प्ले ऐसी जगह करके रखते हैं जो पब्लिक प्रोमिनेंट एरिया होता है, ऐसी जगह डिस्प्ले करके रखते हैं कि वो सबको दिख सके कि हाँ मेरे पास होलसेल का लाइसेंस है, या जो हमारा डॉक्टर होता है उसके पास भी लाइसेंस होता है, वो ऐसी जगह लगा के रखता है कि जहाँ सबकी नज़र उस पर पड़ सके, ठीक है। होलसेल का लाइसेंस हमें मिल गया 20B, हमने हमने 20B के लाइसेंस को ऐसी जगह लगाना है, ऐसे पब्लिक प्रोमिनेंट एरिया पर डिस्प्ले करना है जहाँ पे सबको दिख सके वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें जो ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, नहीं मतलब जो हमारी ड्रग्स है मैन्युफैक्चरिंग हुई है इनकी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उन ड्रग्स की, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करती हो, ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है ड्रग्स के बनने के लिए कि ऐसे कंडीशंस होनी चाहिए, इस टाइप से लेबलिंग होनी चाहिए, इस टाइप से पैकेजिंग होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होनी चाहिए, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ड्रग्स बनी होनी चाहिए, ठीक है। और जो लाइसेंस जो हम जो डीलर है जिसको हम जिससे हम खरीद रहे हैं, जो अपनी ड्रग खरीद रहे हैं उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए ड्रग को सेल करने का, ठीक है, ठीक है। थर्ड ईयर यहाँ तक क्लियर है, पहले ये बताओ थर्ड ईयर आपसे पूछ रही हूँ, क्लियर है चंदन, जया, ठीक है। 20B का फॉर्म भरना है, 20C का फॉर्म हमें मिल चुका है, पब्लिक प्रोमिनेंट एरिया पे हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है, और जो हमारी ड्रग जिससे हमने खरीदी है मैन्युफैक्चरर से, उसके पास भी क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए ड्रग को सेल करने का, मैन्युफैक्चरिंग का भी लाइसेंस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की प्रोविजंस को वो फॉलो करती हो, ठीक। अब ऐसा है, कुछ ड्रग्स मैंने आपको बताई थी, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मोटर व्हीकल के थ्रू हम सेल करते हैं, ठीक है, मोटर व्हीकल के थ्रू, तो उसके लिए क्या हेडिंग डालो इसमें, ड्रग्स अदर देन शेड्यूल ड्रग्स
अदर देन शेड्यूल सी एंड सी वन फ्रॉम ए मोटर व्हीकल ठीक है। मोटर व्हीकल पे क्या कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं ड्रग्स की, ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी या सी वन के अलावा जो सारी ड्रग्स आ रही हैं उनको हम मोटर व्हीकल के थ्रू क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा फॉर्म नंबर भरना पड़ता है, फॉर्म नंबर 20BB, दो बार बी है, कैपिटल बी, फॉर्म नंबर 20 मतलब 20, ठीक है, 20BB, ठीक है, फॉर्म नंबर 20BB भर दिया हमने मोटर व्हीकल पे। हमें होलसेल करनी है ड्रग्स की, कौन सी ड्रग्स हैं वो, ड्रग्स अदर देन दोज जो शेड्यूल सी और सी वन के अलावा जो ड्रग्स हैं, ठीक है, उनको हम मोटर व्हीकल थ्रू सेल कर रहे हैं। तो फॉर्म नंबर 20BB मिल गया हमें। अब क्या करना होता है, जो हमारा लाइसेंस हमें मिल चुका है तो मोटर व्हीकल पे भी हम फ्रंट की जगह पे ऐसे डिस्प्ले करेंगे जहाँ से सबको इजीली दिख सके कि इसके पास होलसेल का लाइसेंस है ड्रग को सेल करने का। मोटर व्हीकल पे करेंगे ना हम सेल, तो मोटर व्हीकल के फ्रंट पे लगा देते हैं कि हाँ हमारे पास लाइसेंस है होलसेल्स का, ये ड्रग को हम होलसेल कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड ईयर ठीक है। अब क्या है इसमें, जो हमारे पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है जो हमें लाइसेंस दे दी है होलसेल का, अगर हमें कुछ ऐसा चेंज करना है उसकी ओनरशिप में, ठीक है, जैसे क्या किया, सबके पास मोटर व्हीकल नहीं है तो क्या कोई क्या करता है, रेंट पे बाइक वगैरह ले लेता है या कोई भी जो मोटर व्हीकल हो वो ले लेता है, फिर क्या करता है वो उसकी उसके थ्रू वो होलसेल कर रहा है ड्रग के। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हमें बताना पड़ता है कि ये जो मोटर व्हीकल है हमने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, ओनरशिप के बारे में बताना पड़ता है कि ये हमारी मोटर व्हीकल है कि नहीं है, ठीक, सब कुछ पहले ही क्लियर करना होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, वो पूछती भी है वैसे, ठीक। अब थर्ड पॉइंट है, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन बट नॉट इन शेड्यूल एक्स, ठीक। अब मोटर व्हीकल पे तो हमने कर दिया, मोटर व्हीकल के लिए हमें 20BB का फॉर्म मिल गया। अब तीसरी कैटेगरी की ड्रग्स आ रही हैं जो ड्रग्स शेड्यूल सी और सी वन में आ रही हैं लेकिन एक्स में नहीं आ रही हैं, उनको भी हमें होलसेल करनी है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म नंबर कौन सा भरना होता है, 21B, मैं मैसेज में टाइप कर रही हूँ, 21B, कौन सा करना है, 21B, ठीक है, थर्ड ईयर, ठीक है। अब इसका भी हमें लाइसेंस मिल गया है तो होलसेल के हम जो ऐसी जगह लगाएंगे अपने लाइसेंस को, पब्लिक प्रोमिनेंट एरिया पे जहाँ पे सब इजीली देख सके और जो ड्रग्स ये बनी हुई है हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो करती हूँ, ठीक है। अब है शेड्यूल एक्स में जो ड्रग आ रही है उसके लिए हमें कौन सी फॉर्म भरना होता है, फोर्थ पॉइंट है, शेड्यूल एक्स की ड्रग की अगर हमें होलसेल करनी है, ठीक, इसके लिए है फॉर्म नंबर 20G
20 जी शेड्यूल एक्स में जो ड्रग आ रही है, कौन सा फॉर्म भर रहे हैं हम? 20 जी, ठीक है। शेड्यूल एक्स के लिए कौन सा फॉर्म कर रहे हैं? होलसेल के लिए हम 20G, 20G का हमें लाइसेंस मिल चुका है। अब हम जो जहाँ हम होलसेल करते हैं, जो हमारा एरिया उस पर ऐसे जहाँ लगाएंगे उसको डिस्प्ले करेंगे कि सबको दिख सके। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई हो, ठीक है। प्लस क्या करना होता है हमें, ठीक है, जो शेड्यूल एक्स की ड्रग आ रही है, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स आ रही हैं, तो इनकी जो हमारी होलसेल करनी होती है बहुत केयरफुल तरीके से करनी होती है। इनका जो इनवॉइस वगैरह होता है, ठीक है, इनवॉइस या रिसिप्ट जो होती है, रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, वो सब हमें अपने पास रखने होते हैं, क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कभी भी ड्रग इंस्पेक्टर को भेज देती है कि आपके पास लाइसेंस है इन ड्रग को सेल करने का। सबसे ज़्यादा छापे इन्हीं ड्रग्स पे लगते हैं, कोई कोई गलत तरीके से इनकी सेल करता है, तो इन ड्रग को सेल करने के लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। तभी तो बोलते हैं कि नारकोटिक्स की ऐसी हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। इनवॉइस वगैरह जो भी सब कुछ होता है जहाँ से हमने खरीदा है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनी हुई होनी चाहिए। बहुत केयरफुल तरीके से हमको इनकी सेल करनी है। ये था आपका होलसेल ऑफ ड्रग। ये क्या था? होलसेल ऑफ ड्रग। इसमें से कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। थर्ड ईयर इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।